हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोफ्ते बनाना बताऊंगी जो कि खाने में बहुत ही टेस्ट लगते हैं। आप इन्हें नाश्ते में शाम को या सुबह जब भी चाय बना सकते हैं। और कच्चे केले के कोफ्ते बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हम कोफ्ते की रेसिपी बनाना। इसे हम बड़े भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमने कच्चे केले को ले लिया है। अब इन्हें हमें धो लेना है और धो करके अच्छे से हमें इनको उबाल लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने इनको उबाल लिया है। अब इन्हें हमें ठंडा करके छील लेना है। तो सारे केले को हमें इस तरह से छील लेना है। कच्चे केले के कोफ्ते खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से हमने सारे केले को छील लिया है। अब इन्हें हमें इस तरह से मैश कर लेना है। आप ठंडा करके इन्हें हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो सारे केले हमें इसी तरह से मैश कर लेने हैं। उसके बाद हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई को ले लिया और इसमें हमने तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। उसके बाद हम इसमें हींग डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। तो जीरा हमारा पक रहा है। उसके बाद हम इसमें प्याज को डाल देंगे। एक प्याज काटा था हमने और इस प्याज को अच्छे से पका लेना है। तो इसको चला लेना है। और इसके बाद हम इसमें दो हरी मिर्च डाल देंगे। इन्हें भी अच्छे से पका लेना है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। इसके बाद इसमें हम और आधे नमक डाल देंगे। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसको चला देना अच्छे से, पका लेना है मसालों को। तो मसाले अच्छे से पका लेना है। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेना है। केले जो मैश किए थे उन्हें डाल देना है। इसके बाद हमने जो केले को मैश किया था उस केले को डाल देना है। अभी मैं इसको अच्छे से मसाले में मिला देना है। तो फ्रेंड्स, हमारी कुकिंग तैयार हो रही है। इसके बाद इसको हमने अच्छे से मिला लिया है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे खटाई के लिए। जो खटाई के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको भी अच्छे से चला देना है। अच्छे से चला देना है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो हमारे इसे भी अच्छे से चला देना है। अभी तो ठंडा होने तो स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसको ठंडा कर लेंगे। करके इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसमें बेसन लेंगे। इसके लिए घोल तैयार करना है। तो इसे हम ठंडा होने देते हैं। इधर हमने बेसन को ले लिया है। तो मैंने एक कटोरी लगभग बेसन लिया है और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा कलर के लिए इसमें हम हल्दी डाल देंगे। लेना है गोल, ज़्यादा पतला नहीं रखना। और इसको अच्छे से चला करके इसका एक गोल बना लेना है। करेंगे और इसको घोल के जाएंगे। अच्छे से इसको फैट लेना है। एक साथ पान में बिल्कुल नहीं डालना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और इसको मिलाते जाएंगे।
इसी तरह से इसको अच्छे से फेंट लेना है। इसी तरह से हमें दूध तैयार कर लेना है। अब हमें इसको एक साइड में रख देना है। उसके बाद हम इसमें इनके लड्डू बना कर रख लेंगे। तो आप तो स्टफिंग हमारी तैयार ठंडी हो चुकी है बन करके। अब हम इसके छोटे छोटे से लड्डू बना कर रख लेंगे। हमें इसके लड्डू बना सकते तरह से आप साइज में अपने हिसाब से बना सकते हैं इनको छोटा बड़ा। इसी तरह से बना लेना है सारे। तो सारे लड्डुओं को इसी तरह से हमें बना लेना है। तो हमने सारे लड्डू इनको बना लिया है सेकेंडली। उसके बाद हम तो इस तरह से लड्डू हमने बना लिए सारे। गरम तेल डाल देंगे जो हमने घोल बना कर रखा था उसमें। हमें थोड़ा सा गरम तेल डाल देना है लगभग एक चम्मच के करीब। गरम इससे क्या है जो हमारे बड़े जो बहुत अच्छे से फूलेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। और उसको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम एक एक बड़े डालते जाएंगे। इस तरह से घोल में डाल करके तेल में डालते जाएंगे। सारे बड़े हमें इसी तरह से बना लेने हैं। और इन्हें मीडियम आंच पर ही पकाना है धीरे धीरे। अब नीचे से हमारे पक चुके हैं तो इनको हम पलट देते हैं। ये खाने में इतने टेस्ट लगते हैं कि अगर आपने इनको एक बार बना लिया तो आप दोबारा भी इन्हें बनाना जरूर पसंद करेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड से इनको पका लेना है। इस तरह से साइड में हमें गरम तेल को डाल देना है जिससे हमारे चारों तरफ से बड़े अच्छे से पक जाएं। कहीं से भी कच्चे नहीं रहे। तो फ्रेंड्स हमारे बड़े बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको उतार लेंगे। हमारे वीडियो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरे कुत्ते की रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो सारे बड़े हमारे बनकर तैयार करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बड़े बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें।